नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ में पता होगा, 30 जून आने वाली है और सरकार ने एक लास्ट डेडलाइन रखी थी आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से लिंक करने की, उसको अभी बढ़ा दी गई है। उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। उससे पहले आपको जो है अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से, या कह सकते हैं अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। उसका भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये जो नई वेबसाइट दिख रही है, इस पर आना होगा। इस पर आने के बाद जो है आपको स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आना है। इसके बाद आप ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है लिंक आधार विथ पैन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत ही छोटी सी स्मॉल स्टेप है, जो कि हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है दोस्तों लिंक आधार। आपको ये नोट पढ़ लेने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जानकारी जरूरी है। आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर अपना पैन कार्ड एंटर करना है। आप जैसे ही यहाँ पर अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे, इसके बाद आपको 12 डिजिट का यहाँ पर आधार नंबर जो है एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और आपको नाम एज इट इज़ वही लिखना है जो आपके आधार पर दिया हुआ है। इसी के साथ आपको नीचे एक मोबाइल नंबर लिखना है, जिस मोबाइल नंबर पर तत्काल जो है एक OTP आएगा। और दोस्तों, ये क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स वो लिंक हैं, आपको सिर्फ सिंपल सी प्रोसेस है, पैन कार्ड, आधार नंबर, नाम, वही नाम एग्जिट लिखना है जो आधार पर है, और मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर आप जो भी देना चाहें, उसके ऊपर तत्काल एक OTP आएगा। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, अगर आपके आधार कार्ड पर, क्योंकि ये दो इशू चले आ रहे हैं भारत में आधार कार्ड पे, अगर अकेला सन लिखा हुआ है, आपके जन्म का वर्ष अकेला लिखा हुआ है, तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको जो है पूरा आपका जन्म का तारीख, मतलब कि दिन, महीने, साल तीनों लिखे हैं, तो आप जो है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आप ये परमिशन जरूर देंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। दोस्तों, इतना करते ही जैसे ही आप ये 4 फील्ड्स को ओपन भरेंगे, यहाँ पर आप लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे। लिंक आधार पर क्लिक करते ही जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप जैसे ही दर्ज करेंगे, आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा आएगा कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके आधार को आपके पैन कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर देगा, और कुछ ही समय में आपका आधार जो है आपके पैन कार्ड से पूरी तरीके से लिंकअप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत आसान सी प्रोसेस है। ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पैन कार्ड से संबंधित काफ़ी सारे ऐसे रेगुलेशंस लागू हुए हुए हैं, जिसमें कि आपको जो TDS पे कटने वाला जो परसेंटेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंकअप नहीं है, और आपको ऐसे में जो है डबल TDS भी आपका कट सकता है। तो आप 30 सितंबर से पहले ये काम कर लें, बहुत ही छोटा सा काम रह गया है। ये नई जब से वेबसाइट बनी है, आपको सिर्फ ये 4 ऑप्शन भरने के बाद 2 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।